नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा, सिन्हा एडिटल्स में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं, उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें दो किटकैट फ्यूज, एक डीपीएमसीबी के साथ जनरेटर का चेंज ओवर कनेक्शन जानना था। तो हमने भी यहाँ क्या किया है, इस बोर्ड में एक एनर्जी मीटर ले लिया, उनका जो कमेंट था उस हिसाब से दो किटकैट फ्यूज यहाँ पे लिया, एक डीपीएमसीबी ले लिया, एक जनरेटर चेंज ओवर हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे चार हमने सिंगल पोल का एमसीबी लिया जो हमारा आउटपुट के लिए काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे सेम इसका। इस तरीके से मैंने डायग्राम भी बना लिया, ये हमारा एनर्जी मीटर हो गया, दो किटकैट फ्यूज जैसे इस हिसाब से बोर्ड में था, यहाँ पे ये हमारा हो गया डीपीएमसीबी, और ये यहाँ पे मैंने जो चार सिंगल पोल के एमसीबी लिया था वो हमने ले लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डायग्राम देखेंगे, फिर इसका हम क्या करेंगे बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो जिसमें बोर्ड में हमारा फेज या न्यूट्रल का वायर आएगा, पहले कहाँ पे आएगा, एनर्जी मीटर में आएगा। तो हम क्या करेंगे, फेज या न्यूट्रल का वायर के लेके कहाँ पे आएंगे, एनर्जी मीटर में। तो जो फेज का वायर इन करेगा वो कहाँ करेगा, हमारा फेज इन करेगा इस टर्मिनल में, ठीक है। हमारा जो फेज होगा वो इस टर्मिनल में इन करेगा और फेज आउट करेगा इस टर्मिनल से, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल कहाँ इन करेगा, न्यूट्रल इन करेगा इस टर्मिनल में और आउट करेगा न्यूट्रल इस टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, ये फेज और न्यूट्रल का जो वायर हमारा जो मीटर से निकलेगा उसको हम कहाँ ले जाएंगे, किटकैट फ्यूज में। तो हमने यहाँ पे दो किटकैट फ्यूज लिया है, ठीक है। तो कोई भी एक किटकैट फ्यूज हमको क्या करना, फेज के लिए चुनना है और एक किटकैट फ्यूज को हमको न्यूट्रल के लिए चुनना है। तो हम क्या करते हैं, ये फेज के लिए ले लेते हैं, इसको हम न्यूट्रल के लिए लेंगे। तो जो फेज वाला किटकैट फ्यूज, जो हमारा किटकैट फ्यूज होगा उसका नीचे टर्मिनल में हम क्या करेंगे, फेज का वायर को ले जाएंगे, ये हमने ले लिया। तो ये हमारा किटकैट फ्यूज जो हुआ सेकेंड वाला, इसके नीचे वाले टर्मिनल फेज का वायर को ले जाएंगे और आउट कहाँ से कराएंगे, इसके ऊपर टर्मिनल से। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे। तो न्यूट्रल का वायर को हम क्या ले जाए इस किटकैट फ्यूज में, तो क्या करेंगे न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे इस किटकैट फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल दे देंगे एक टर्मिनल में, ठीक है। इसमें तो नीचे ऊपर समझ नहीं आ रहा है, एक टर्मिनल दे देंगे और दूसरा टर्मिनल से क्या करेंगे, हम न्यूट्रल को यहाँ से आउट कराएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, ये हमारा यहाँ से फेज आउट हुआ, यहाँ से हमारा न्यूट्रल आउट हुआ। उसके बाद हम कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा चेंज ओवर है, ठीक है। तो ये चेंज ओवर में देखिए इस टाइप से टर्मिनल दिया हुआ है, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन इधर, ठीक है, तीन तीन का सेट। तो इस हिसाब से मैंने डायग्राम ले लिया यहाँ पे तीन तीन के हिसाब से। इसमें क्या, एक टर्मिनल में, ठीक है, एक साइड जो रहेगा, ये तीन टर्मिनल है जो इसका एक साइड है, हमको क्या करना है, एक साइड में या तो आपको फेज, ठीक है, फेज न्यूट्रल का जो हमारा पोल से वायर आता है, या तो डिसाइड करना है ये साइड एक साइड में, ठीक है, आपको पोल वाला कनेक्शन करना है, ठीक है, या एक साइड में आपको जनरेटर का कनेक्शन करना है, ठीक है, या ये साइड में कीजिए या ये साइड में कीजिए। अगर जनरेटर कनेक्शन करें तो इस साइड में कर दीजिए पोल वाला इधर, या जनरेटर के इधर करें तो पोल का इधर। तो ये जो टर्मिनल है, ठीक है, ये तीनों में एक साइड में हमको क्या करना है, पोल का से जो हमारा फेज न्यूट्रल आया और एक तरफ से जो जनरेटर का कनेक्शन आया, और ये जो बीच चला है ये हमारा आउटपुट का होगा, ठीक है। ये हमारा दो इनपुट हुआ, इधर से इनपुट होगा, ये तीन टर्मिनल कोई भी इसमें, इसमें फेज, इसमें न्यूट्रल हम दे सकते, इसमें फेज, इसमें न्यूट्रल दे सकते, किसी का भी यूज करना, ठीक है, एक में फेज एक में न्यूट्रल, पर हमको जो यूज करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ फेज के लिए यूज करूंगा यहाँ पे, तो ये पूरा हमारा फेज आउट करेगा यहाँ से, ठीक है, न्यूट्रल यहाँ से इन कराएंगे तो आउट करेगा यहाँ से, ठीक है। कुछ भी होगा तो हमको सेम में ही रखना, सीधा में रखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमारा ये फेज का वायर आया, तो यहाँ क्या करते हैं, फेज का वायर क्या करते हैं, इस साइड में दे देते हैं। तो हम फेज का वायर को यहाँ से लाएंगे और सपोज हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल में दे दिए एक टर्मिनल फेज का, और न्यूट्रल का वायर को भी लेके आएंगे यहाँ पे, और न्यूट्रल का वायर हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, हमारा यहाँ पे क्या हुआ, फेज यहाँ पे इन किया और न्यूट्रल हमारा यहाँ इन किया। अब हमारा आउट कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, फेज हमारा आउट यहाँ से करेगा और हमारा जो न्यूट्रल है यहाँ से आउट करेगा। पर हमको क्या करना है, साथ में जनरेटर कनेक्शन को भी ले आना है। तो हम क्या करेंगे, जनरेटर का वायर ले लेते हैं। तो सपोज हम क्या करते हैं, जनरेटर का वायर ले आते हैं, तो जनरेटर का भी दो वायर आएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दो वायर ले लेते हैं जनरेटर का, ठीक है। ये हमारा दो वायर जनरेटर का आया, तो एक वायर को क्या करना है, एक इसमें दे देना है, ठीक है, हमारा जो ये टर्मिनल है, ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों था, ठीक है, ये तीनों हम जनरेटर के लिए दे रहे थे। तो हम क्या करेंगे, कोई एक में हम क्या करेंगे, जैसे इसमें जो फेज का समझेंगे हिसाब से, तो फेज वाला जो होगा, अगर जनरेटर का हमको पता चल रहा है तो यहाँ पे दे देंगे, और न्यूट्रल जो है यहाँ पे दे देंगे। तो जो दो वायर हमारा जनरेटर से आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे। जैसे हमारा पोल से जो आया, पोल से जो फेज या न्यूट्रल आया यहाँ पे दे देंगे, जो जनरेटर से फेज या न्यूट्रल आया यहाँ पे दे देंगे, और ये हमारा आउटपुट में हो जाएगा, ठीक है। एक हिसाब से ये सिंपल से समझने का चीज है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, फेज का हमारा फेज न्यूट्रल यहाँ पे इन किया, एक तरफ से जनरेटर का वायर इन किया, एक तरफ से पोल अलग किया। तो अब हमें जो हमारा घर का आउटपुट निकलेगा, ठीक है, ये तो हमारा इनपुट हो गया, ठीक है, एक हमारा जनरेटर तरफ से इनपुट हुआ, एक तरफ हमारा पोल तरफ से इनपुट हुआ। जो हमारा लोड निकलेगा आउटपुट, वो कहाँ से निकलेगा, वो बीच वाला टर्मिनल से, ठीक है। ये जो हमारा बीच में दिया, यहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा। तो जो हिसाब से फेज हमने यहाँ पे दिया था, तो फेज हमारा आउट करेगा यहाँ से, ठीक है, ये जो बीच टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ से हमारा फेज आउट करेगा,
और आउट करा के हम कहां ले जाएंगे, अब हम ले जाएंगे डीपीएमसीबी में, ठीक है। डीपीएमसीबी हमारा यहाँ पे, तो डीपीएमसीबी का निचला टर्मिनल हम क्या करेंगे, फेज का वायर को दे देंगे। इसी तरीके से न्यूट्रल का वायर हमारा कहां से आउट करेगा, न्यूट्रल का वायर हमारा यहां से आउट करेगा, ठीक है। न्यूट्रल का वायर हमारा यहां से आउट करेगा और आउट करा के इसको हमको कहां ले जाना है, हम यहां से थोड़ा सा इसको इस तरीके से घुमा के ले आते हैं, हम ले जाएंगे यहां पे सीधा डीपीएमसीबी में। तो डीपीएमसीबी में क्या हो गया, फेज और न्यूट्रल, हमारा फेज यहां पहुंच गया, न्यूट्रल यहां पहुंच गया, अब हमारा फेज यहां से आउट करेगा, न्यूट्रल हमारा यहां से आउट करेगा, आउट करा के कहां ले जाना है, तो हमारा जो फेज आउट करा के हम ले जाएंगे कहां पे, हमारे पास यहां पे चार सिंगल पोल का एमसीबी हमने लिया है, ठीक है। इस बोर्ड में चार सिंगल पोल का एमसीबी लिया था, तो क्या करेंगे, जितना भी सिंगल पोल का एमसीबी है सब में हम फेज का वायर को इन करा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो फेज का हमारा आउट करेगा, जितना भी सर्किट रहेगा, ये रूम नंबर वन में चल जाएगा, ये आपका हॉल में चल जाएगा, ये किचन में चल जाएगा, ये बाथरूम में चल जाएगा, जो हिसाब से सर्किट आएगा, जो फेज का करंट है यहां से आउट करेगा, ठीक है, ये सबसे जो फेज आउट करेगा आपका घर का लोड के लिए, और जो न्यूट्रल आउट करेगा कहां से करेगा, न्यूट्रल यहां से करेगा आपका आउट, ठीक है। तो ये फेज और न्यूट्रल कॉम्बिनेशन आप यहां से आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, विशेषकर मेरा जो आज वीडियो था वो जनरेटर कनेक्शन पे था, तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन जो है जिस हिसाब से मैंने डायग्राम किया उस हिसाब से इसका वायरिंग करके हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले फेज और न्यूट्रल का वायर को लाएंगे इस बोर्ड में। तो हमारा फेज और न्यूट्रल कहां आया था, फेज और न्यूट्रल डायग्राम में देखेंगे तो हमारा फेज इन यहां पे किया था, और न्यूट्रल कहां इन किया था, न्यूट्रल यहां पे किया था। तुम क्या करेंगे, यहां पे फेज को इन करा देंगे, ये फेज का वायर को हम यहां इन करा दिए और न्यूट्रल को उसके बगल वाला टर्मिनल में इन करा देंगे। तो क्या हो गया, देखिए फेज और न्यूट्रल हमारा यहां इन किया था, हमने फेज और न्यूट्रल यहां इन करा, फेज हमारा यहां से आउट किया, न्यूट्रल हमारा यहां से आउट किया। अब फेज हम यहाँ से आउट करा के कहाँ ले गए, तो ये फेज हमारा आउट करे कहाँ पे आया, ये किटकैट फ्यूज का जो नीचे वाला टर्मिनल, तो ये किटकैट फ्यूज यहाँ पे। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा फेज का वायर यहाँ से आउट हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा फेज का वायर यहाँ पे आउट हुआ, ठीक है, ये हमारा फेज का वायर है जो हमारा यहाँ से आउट किया है, ठीक है। ये वायर को हम क्या किया, यहाँ से लेके आए इस किटकैट फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल में, तो ये किटकैट फ्यूज का नीचे वाला टर्मिनल जिस हिसाब से डायग्राम तो वहाँ पे दे दिया, जो हमारे न्यूट्रल का वायर आउट हुआ था यहाँ से लेके हम कहाँ ले आए थे, इस किटकैट फ्यूज में। तो क्या करते हैं, ये न्यूट्रल का वायर हमने यहाँ से आउट कराया, ठीक है, आउट करा के कहाँ पे ले आया है, जो हमारा ये किटकैट फ्यूज है, ठीक है, ये किटकैट फ्यूज का नीचे एक टर्मिनल में। अब हमारा क्या, हमारे न्यूट्रल यहाँ से आउट किया और फेज यहाँ से आउट किया, इस हिसाब से न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट किया, फेज हमारा यहाँ से आउट किया। तो फेज हम यहाँ से आउट कराए कहाँ ले गए, तो फेज हम यहाँ से आउट कराया है, ठीक है, ये हमारा फेज का वायर हुआ, इसको आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, ये हमारा फेज और ये हमारा न्यूट्रल, ठीक है, ये दोनों वायर हमारा ये हो गया, जो हमारा कहाँ से निकला है, जो हमारा किटकैट फ्यूज से निकला, ठीक है, किटकैट फ्यूज से इस टर्मिनल जो फेज का वायर और ये हमारा न्यूट्रल का वायर यहाँ पे आया, जो हमारा ये दोनों वायर है, ठीक है, डायग्राम में देखा जाए तो ये जो दोनों वायर है हमारा, ठीक है, ये दोनों वायर हमारा कहाँ पे इन करा है, यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल इन करा है, तो ये दोनों वायर हमारा ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फेज का वायर हम यहाँ पे दे देंगे और न्यूट्रल का वायर उसके बगल में दे देंगे, ये फेज और न्यूट्रल हमारा कहाँ से आया, जो हमारा पोल से आया, ठीक है, जो हमारा एनर्जी मीटर किटकैट फ्यूज होते हुए जो फेज और न्यूट्रल आया वो हम इस टर्मिनल में दिए, ठीक है, जिस हिसाब से डायग्राम में था। इसके बाद हम जनरेटर से जो फेज और न्यूट्रल का जो दो वायर आएगा, ठीक है, उसको हम कहाँ दिया, इस दोनों टर्मिनल में। तो क्या करते हैं, जनरेटर का वायर को ले आते हैं, जनरेटर का वायर को लेके आएंगे और हम यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे। तो इसके लिए ठीक है, इसमें एक वायर हम कहाँ दिए, एक हम फेज वाला वायर यहाँ पे दे देते, ठीक है, ये दो हमारे जनरेटर का वायर जो हम लेके आए थे हम दोनों इस टर्मिनल में दिए थे, तो हम इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। एक यहाँ पे दे देंगे और न्यूट्रल के लिए जो उसका लिए है उसको यहाँ पे दे देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जनरेटर का हो गया। अब हमारा जो आउटपुट निकलेगा, यहाँ से आउटपुट दो निकला, ठीक है, यहाँ से जो हमारा फेज और न्यूट्रल का आउटपुट निकले कहाँ गया, ये हमारा आया डीपीएमसीबी में। तो क्या करते हैं, डीपीएमसीबी का जो हमारा फेज और न्यूट्रल का वायर है, ये मैंने दो वायर यहाँ पहले से कनेक्शन कर दिया था, ये दो वायर हम ले लेते हैं। तो ये दोनों वायर हमारा क्या, आउटपुट के लिए हमने लिया है, ठीक है, ये ब्लू कलर का वायर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट के लिए जो हमारा फेज का वायर जो होगा वो ब्लू कलर का होगा और न्यूट्रल हमारा ब्लैक कलर का होगा।
हम क्या करते हैं इसको भी अंदर लेके इसका भी कनेक्शन हम कर देते हैं। तो जो हमने फेज का जो वायर आउट किया था, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फेज का वायर आउट हुआ है, वो फेज का वायर जो हमारा फेज का कहाँ से इस टर्मिनल से आउट किया है, तो हमारा ये टर्मिनल ये है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से फेज का वायर को आउट करा देंगे। जो न्यूट्रल का वायर रहेगा, न्यूट्रल का वायर हमारा इस टर्मिनल से आउट किया था, तो यहाँ पे इसका कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल और ये फेज हमारा यहाँ से आउट करे कहाँ गया है, तो डायग्राम के हिसाब से यहाँ से जो आउट किया हमारा फेज का वायर डीपी जो डीपी एमसीबी उसमें किया, और न्यूट्रल का वायर को भी हम लेके कहाँ गए डीपी एमसीबी में। तो ये जो दोनों वायर हमने लिया फेज और न्यूट्रल का जो हमारा आउट किया वो कहाँ पे आया, ये आया हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये जो दो वायर है, ये जो फेज का वायर हमारा यहाँ से आउट किया, फेज का वायर को कहाँ ले गया डीपी एमसीबी में, और न्यूट्रल का वायर कहाँ ले गया डीपी एमसीबी में। ठीक है, तो ये जो हमारा फेज और न्यूट्रल का वायर था हमारा यहाँ तक का कनेक्शन हमने कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं फेज का वायर हमारा यहाँ से आउट करे कहाँ जाएगा, यह आएगा हमारा ये जो चार पोल सिंगल पोल का एमसीबी है। ठीक है, चार जो हमारा सिंगल पोल का एमसीबी है, तो फेज का वायर हम यहाँ से आउट कराया कहाँ लेके आए, ये सारे सिंगल पोल में। तो हम क्या करते हैं इससे मैंने पहले से भी कनेक्शन कर दिया था, तो हमारा यहाँ से जो वायर आउट किया है, ठीक है, ये जो हमारा फेज का वायर आउट करे कहाँ ले गया, ये चार हमारे सिंगल पोल का एमसीबी में ले गए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक फेज का वायर आउट कराएंगे। ठीक है, ये हमारा फेज का वायर हमने ले लिया है, और आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, तो हमारा जितना भी चारों सिंगल पोल का एमसीबी है वहाँ पे हमने यहाँ से वायर के से कनेक्शन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा फेज का वायर को ये वायर को ले गए हम कहाँ लेके आए, यहाँ पे जो हमारा चार सिंगल पोल का एमसीबी है और इसके चारों आपस टर्मिनल, ठीक है, ये जो अपर से चारों नीचे टर्मिनल था इसको आपस में मैंने कनेक्ट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यह जो हमारा चारों वायर है ये आपस में कनेक्ट हो गया चारों जो हमारा ये एमसीबी है। तो अब हमारा बचा क्या है न्यूट्रल का वायर, तो फेज का काम यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। जो रूम का सर्किट जाएगा फेज का वायर यहाँ से जाएगा, न्यूट्रल का वायर आप यहाँ से ले आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बीच में न्यूट्रल वायर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल वायर में भी रख जाते हैं, यहाँ से आप लूप बाय लूप करके क्या कर सकते हैं न्यूट्रल ले जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिया, ये हमारा पोल से आ गया फेज या न्यूट्रल, और ये हमारा जनरेटर का कनेक्शन हो गया। ठीक है, जो हमारा डायरेक्ट चेंज ओवर में आया ये हमारा पोल से आया। अब हम क्या करेंगे इसको चेक करके देखेंगे, तो फ्रिज का जो करंट है, ठीक है, एक लोड के लिए मैंने होल्डर ले लिया, इस हिसाब से आपका घर का जो बोर्ड होगा, ठीक है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपका सर्किट फेज का निकलेगा, न्यूट्रल आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम न्यूट्रल क्या किया देखिए, ये एमसीबी से ही ले लिया, ठीक है, ये जो न्यूट्रल का वायर है आप यहाँ दिखा सकते हैं, न्यूट्रल का वायर हमने एमसीबी से ले लिया, जो हमारे यहाँ से एमसीबी से आउट कर रहा था उसका जो हमने फेज लिया या यहाँ से ले लिया, तो ये क्या हो गया एक हिसाब से आपका लोड हो गया। हम क्या करेंगे इसको चेक करके देख लेंगे, क्या कहते हैं हमने दिया था यहाँ पे इसे बीच में कर देते, ये ऑफ है, तो हमने दिया था इस साइड में लाइन का कनेक्शन, इधर दिया था जनरेटर कनेक्शन, तो इधर लाइन कनेक्शन है, तो हम जब ये साइड करेंगे तो क्या होगा ये हमारा लाइन से चलेगा। ठीक है, अभी लाइन हमारा चालू है, हमारा करंट आ गया, हम जैसे एमसीबी ऑन करेंगे तो ये लोड हमारा चालू हो गया। ठीक है, ये हमारा बल्ब चल रहा है। ठीक है, अब क्या ये साइड जो होगा, ठीक है, चेंज ओवर का ये साइड में हमारा क्या होगा जनरेटर कनेक्शन का होगा, तो इसको अभी इससे बीच में करते हैं, तो ये हमारा बंद हो जाएगा, और ये जो साइड होगा ये साइड हमारा जनरेटर का होगा। तो अभी क्या किया मैंने एग्जाम्पल के लिए उसमें भी कनेक्शन दे दिया। ठीक है, तो ये जैसे हम जनरेटर में करेंगे तो ये जल जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको लाइन में लाते हैं। तो क्या हुआ सपोज लाइन कट गया, कंफर्म करने के लिए तो देखना होगा, तो क्या करते हैं फ्यूज निकाल देते हैं। तो क्या हो गया ये हमारा लाइन यहाँ पे कट गया। अब हम क्या करेंगे इसको जनरेटर मोड में डाल देंगे, तो ये जैसे हम जनरेटर साइड में दिए तो ये हमारा घर का लोड चालू हो गया। इस हिसाब से आप जनरेटर कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद।